मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी कैसी है, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ कितने हैं जो मूवीज देखते हैं, हाथ उठाना, बहुत सुंदर। तो जब आप मूवी देखने जाते हैं, और ये दोनों के लिए है, जो किरदार निभा रहे हैं वो भी और जो देख रहे हैं वो भी, कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें गुस्सा आना चाहिए, आपको गुस्सा आता है? कोई चीज बुरी लगनी चाहिए, बुरी लगती है? कुछ हंसी की बात आती है, हंसी आती है? आप क्या थिएटर से निकल के भी वही करते रहते हो, रोते रहते हो या हंसते रहते हो? या फिर जिस इंसान ने किरदार निभाया है, जो एक्टर एक्ट्रेस है, वो अपने घर जाकर भी वैसे ही रहते हैं? नहीं ना। ये जिंदगी एक मूवी की तरह है, आप सबको अपने अपने किरदार मिले, अपने किरदार इतने अच्छे से निभाइए कि सामने वाले को लगे कि असली पिक्चर चल रही है। लेकिन दिमाग में रखिए कि जिस दिन पिक्चर खत्म हुई उस दिन वापस अपने घर जाना है। बहुत खूब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किरदार अच्छे से मत निभाओ, किरदार इतने अच्छे से निभाओ कि आपके जाने के बाद लोग कहे कि पिक्चर सुपरहिट थी। वाह। आपकी जिंदगी आपकी पिक्चर है, इसको फ्लॉप करना है, हिट बनाना है, सुपर हिट बनाना है, ये आपकी मर्जी। तो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव तो यही कहता है, उम्मीद रखो मत। उम्मीद रखोगे तो दुख मिलेगा। भगवान ने ये वही बात है कि सामने रास्ता है और लिखा है आगे खाई है। अब आप कहोगे मुझे तो जाना है, तो गिरोगे। भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, जबरदस्ती करनी होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, दुर्योधन को दो थप्पड़ लगाते, पर भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान रास्ते दिखाते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सीधा है, ये खाई है, अब तुम्हारा जहां मन जाओ। आप खाई में जाओगे तो गिरोगे, सीधे रास्ते जाओगे तो हो सकता है रास्ता लंबा होगा, मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस तो मत ही रखिए, अच्छा है। दुनिया में, जिंदगी में एक ना एक बार हर रिश्ता धोखा देगा, ये मान के चलो, पक्की बात है, ये लिख लो कोरे पन्ने पर। और देखिए, धोखे का मतलब हर वक्त गलत करना नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूं, मान लीजिए आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, अब आपको लग रहा है इसके बिना तो मेरी जिंदगी चल ही नहीं सकती, उसकी जिंदगी ने धोखा दे दिया, बुलावा आ गया, धोखा ही तो है, धोखा है ये। तो जिंदगी में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा, सिवाय उसके, वो नहीं देगा, आपका काम नहीं करके भी वो आपका भला करेगा। तो उम्मीद सिर्फ उससे लगाओ, ये मेरी जिंदगी की सीख है। कि बाकी देखिए, चलते फिरते रहते हैं, दुख होता है, जैसे मैंने कहा बैलेंस है, दुख आएंगे, किसी से तकलीफ हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, चलते रहेंगे, पर ऐसी उम्मीद मत लगाओ कि ये व्यक्ति ही जिंदगी है, यही सब कुछ है। नहीं है, सब कुछ तो वो है, वो ही साथ देगा अंत तक, वो ही साथ देगा और घर उसी के वापस जाओगे। तो जिंदगी ऐसे जियो कि जब ऊपर जाओ तो आंख मिलाने लायक रहो, कि हम अच्छे से जी के आए हैं, अच्छे काम किए हैं हमने। आप ये ना बोल सके कि भगवान ये ना बोल सके कि गलती करी तुमको इंसान बनाकर मैंने, तुमने इंसानों वाले एक काम नहीं किए, ये मत करना। तो एक भी ऐसा काम करो कि उसके सामने खड़े रहो कि अच्छे काम करके आए हैं। तो बस इतनी सीख मैं हमेशा अपनी जिंदगी की देती हूं कि अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि आप ऊपर उनसे आंख मिलाने लायक रहे। बस ये मत सोचो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग छोड़ दो इसको। लोग दिन भर कहते हैं कुछ करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे, ये दुनिया वालों के पीछे। तो अपनी जिंदगी में एक सिद्धांत बना लो कि मेरा हर काम ये सोचकर होगा वो क्या कहेगा। और अगर आपको लगे कि उसको अच्छा लगेगा तो किसी को अच्छा लगे ना लगे कर दो,